मैंने कहा नीलगाय आप मेरी आवाज़ को सुनिए और आप मेरे पास आइए, तो दौड़ी चली आई थी नीलगाय। तो उसको फिर वो पास में ही, तो उसको लगा कि यार ये तो अलग बंदा, ये तो 56 इंच वाला नहीं 56 किलो वाला है। लेकिन दो दिन बाद पता लगता है कि यार उसमें मैंने जो मोदी जी बन के मोदी जी की तरह जो खिलाया कुछ नीलगाय को, दाना वाना खिलाया, तो उस पर मेरे पे कार्रवाई हो रही है, नोटिस आ रहा है, लोगों के फ़ोन आने स्टार्ट हो गए। ये यार ये क्यों करते हो आप यार, इसका ध्यान रखा करो थोड़ा, इन चीज़ों से ना बच के चला करो। देखो नोटिस तो ऐसा है कि जो मिला है मेरे को 11,000 का, तो वो तो 56 इंच का नोटिस है, नोटिस और अमाउंट दोनों बड़े हैं, लेकिन 56 किलो का हूँ तो भरना तो पड़ेगा ही, चाहे कितने किलो का हूँ। राजनीतिक पार्टियों के तमाम नेताओं की मिमिक्री करने वाले आर्टिस्ट श्याम रंगीला हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो की नकल करते हुए एक शूट किया था और जो वायरल हुआ था। श्याम, क्या वीडियो था और क्यों उसके बाद इतना बवाल कटा कि आपको हर जाने की राशि देनी पड़ी? देखिए, आप मोदी जी की जो सफारी थी, वो जो कर्नाटक गए थे बांदीपुर टाइगर रिजर्व, तो वो उस पर मैंने स्पूप बनाया था। पहले जैसे मैंने बनाया बीच की सफाई, नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू, मोदी जी के मोर जो है उस पर बनाया था, वैसे ही मैंने इस पर बनाया था। तो इस पर वो ये लोगों को बहुत पसंद आया। काफ़ी टाइम बाद में वीडियो डालता हूँ और लोगों को पसंद आता है तो मुझे भी खुशी होती है। लेकिन दो दिन बाद पता लगता है कि यार उसमें मैंने जो मोदी जी बन के मोदी जी की तरह जो खिलाया कुछ नील गाय को, दाना वाना खिलाया, तो उस पर मेरे पे कार्रवाई हो रही है, नोटिस आ रहा है। तो वो चीज़ जब मैंने सुनी तो फिर मुझे लगा थोड़ा, फिर घर से भी फ़ोन आए कि यार ये क्या हो गया, लोगों के फ़ोन आने स्टार्ट हो गए, ये यार ये क्यों करते हो आप यार, इसका ध्यान रखा करो थोड़ा, इन चीज़ों से ना बच के चला करो। अब मैंने कहा यार बनाते टाइम थोड़ी पता लगता है कि हम मोदी जी नहीं है, मैं तो उस टाइम बन जाता हूँ मोदी ओरिजिनल, तो बाद में पता लगता है ये चीज़ कि हम तो आम इंसान है भाई, सब चलान वलान कट सकता है, तो बस वही है। क्या क्या था आपने? मैंने सर, अब पता ही है लोगों को, मैंने नील गाय को दाना खिला दिया था थोड़े। किस तरह बुलाया था उसको? मैंने बुलाया तो ऐसे ही था, मैंने कहा नील गाय आप मेरी आवाज़ को सुनिए और आप मेरे पास आइए, तो दौड़ी चली आई थी नील गाय। तो उसको फिर वो पास में ही, तो उसको लगा कि यार ये तो अलग बंदा, ये तो 56 इंच वाला नहीं 56 किलो वाला है। 56 किलो के थे इसलिए नोटिस मिल गया? देखो नोटिस तो ऐसा है कि जो मिला है मेरे को 11,000 का, तो वो तो 56 इंच का नोटिस है, नोटिस और अमाउंट दोनों बड़े हैं, लेकिन 56 किलो का हूँ तो भरना तो पड़ेगा ही, चाहे कितने किलो का हूँ। आपकी नज़र में क्या राजनेताओं के किसी की मिमिक करना एक तरह से अपराध हो गया है, या फिर आर्टिस्टों को इस तरह की खुली छूट होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं ये जो भी तमाम जो वीडियो बनाते हो लोगों के एंजॉयमेंट के लिए होता है, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए? बिल्कुल, और ये एंजॉयमेंट के लिए होते हैं, और जो भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं ऐसे वीडियो हम बनाते ही नहीं है। अब एक चीज़ मेरी ये नहीं समझ में आती कि एक कॉमेडियन कोई है, उसने धर्म पे मजाक बनाया, आप देखो उस पर इतने लोग शो कैंसिल करवा रहे हैं, इतने लोग कमेंट कर रहे हैं कि यार ये क्यों कर दिया, ये क्या कर दिया, ये कर दिया। फिर एक बंदा आता है, उसने काले गोरे पे कॉमेडी कर दी, उस पर लोग आ गए यार इसे ये क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया, ये तो इसको पता नहीं है, शर्म नहीं आती। एक ने वजन पे बना दी, इसका कम है इसका ज़्यादा, एक ने हाइट पे बना दी, मतलब आप कॉमेडी बना ही नहीं सकते। अब मैंने क्या किया है, ना तो धर्म पे कुछ किया है, मैंने किसी पे कुछ नहीं किया है, मैं राजनीति पे बात कर रहा हूँ। अब देखो मोदी जी खुद ऐसे बोल देते हैं कहीं ना कहीं, वो जो संसद में बोला था कि सूर्पणखा जैसी हंसी दूसरी बार हम सुन रहे हैं, या तो वहीं सुनी थी, या अब ये ऐसे कमेंट कर देते हैं। फिर राहुल गांधी जी है, वो भी ऐसे कमेंट कर देते हैं। अब मोदी जी ने मेरे को नीच कहा है इन्होंने, मेरे को ये कहा, अब बोलते तो हैं, अब राजनीति में तो चल रहा है ना। अब हम उस चीज़ की कॉमेडी बनाते हैं जिसमें कोई गलत शब्द नहीं है। मैंने मोदी जी को कभी इंसल्ट, मोदी जी की नहीं मैंने कभी इंसल्ट, ना मैंने राहुल जी कभी इंसल्ट की। जो उनका बना हुआ है, जो इमेज बनी हुई है, हम उस पर कॉमेडी करते हैं, उसके हम उसको सोचते हैं कैसे ये बनेगा। मोदी जी की इमेज बनी हुई है कि वो फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं, ये इमेज बनी हुई है। आप देखो मनमोहन सिंह जी की तो नहीं थी ये इमेज, मनमोहन सिंह जी चुप रहने की इमेज थी, तो आप उसी पे कॉमेडी होती है। आप मेरे को कहोगे कि मनमोहन सिंह जी की आवाज़ निकलो तो मैं चुप हो जाऊँगा, आप समझ जाओगे। तो ये फ़र्क होता है। अब ये मेंटेलिटी का फ़र्क है कि लोग कैसे समझते हैं। अब लोग जो है ना इतने मतलब यूँ हो गए हैं कि इनको कॉमेडी के नाम पर मतलब पता नहीं क्या चाहिए होता है, ये फालतू की बातें चाहिए जो चल रही है आजकल। अब मैं मीनिंगफुल कॉमेडी करके इससे कुछ दिख रहा है, कुछ चीज़ें महसूस हो रही है, वो करने के बाद भी मैं ये झेल रहा हूँ कि यार ये लोग कमेंट लिख रहे हैं, लेकिन मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। मैं जो करता हूँ वो मैं वही करता हूँ, और उसमें बीच में कई चीज़ें हो जाती है नेगेटिव, तो मैं उसको देखता हूँ। कमेंट बॉक्स में कई चीज़ें यह तो कि आपके प्रशंसक होते हैं जो तारीफ़ भी करते हैं आपकी कला की, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्यों सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों?
दूसरा प्रधानमंत्री कौन है, मतलब मैं उन लोगों को पता नहीं, मैं समझना नहीं चाहता क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएंगे। अगर उनमें थोड़ी बहुत भी थिंकिंग होती इस चीज़ की तो वो लिखते ही नहीं ना। आप ये मानो 2014 से पहले प्रधानमंत्री जी किसने, मैंने कब वीडियो बनाए थे, या मैं 2014 के बाद ही मैंने स्टार्ट किया है तो 2014 से पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ जो मनमोहन सिंह जी की कॉमेडी के हैं, लोगों ने गेटअप बना के मनमोहन सिंह जी की कॉमेडी की है। 2015 में तो नहीं कर रहे हैं, 16 में तो नहीं कर रहे हैं, 17 में तो नहीं कर रहे हैं, 2024 में मोदी जी आएंगे नहीं आएंगे उसके बाद लोग नहीं करेंगे, 2029 में जो आएगा लोग उसकी करेंगे। सिंपल सी बात है भाई साहब, जो प्रधानमंत्री हैं जो राष्ट्रपति हैं, अब अमेरिका में लोग कॉमेडी करते हैं तो राष्ट्रपति ही करते हैं, तो वो चीज़ है कि जो बंदा जिस पद पे है तो लोग उसी की करेंगे। लोग ये थोड़ी है कि मैं अब उठाकर किसी का, हमारे बगल में कोई बंदा खड़ा हुआ उसकी ताऊजी करने लग गया और पूरा देश देख रहा है, देश कैसे देखेगा ताऊजी को, तो मैं जानता हूँ, तो मोदी जी को जब देश जानता है वर्ल्ड जानता है तो हम तो उनकी करेंगे। तो लोगों को ये बात पता नहीं क्यों नहीं समझ में आती है। लोग कहते हैं इंसल्ट करते हो, इंसल्ट क्या होती है, इंसल्ट तो वो विरोधी वाले कर रहे हैं ना, राजनीतिक पार्टियों वाले विरोधी जो है वो कर रहे हैं इंसल्ट, हम थोड़ी कर रहे हैं, हम तो कॉमेडी कर रहे हैं, कॉमेडी करना काम है हमारा। नोटिस मिलने के बाद ये चर्चा हो रही थी, अब 7-8 महीने तो गए जेल में, अब चर्चा तो हो रही थी, अब ये सब चीज़ें चलती है तो जवाब भी दिया था आपने वीडियो के जरिए, जवाब भी दिया था और वो लोग थोड़े से मायूस हो गए। मैंने ये भी बोला था कि उनको लगा था ये अंदर चला जाएगा और अगर 7-8 महीने के लिए जाता मैं अंदर तो वैसे भी मेरा वीडियो 7-8 महीने के बाद ही आता है, तो जब मैं बाहर आता तो फिर आके फिर बनाता मैं अगर, लेकिन मुझे ये लगता है मैंने ये वीडियो बनाया इस वजह से मुझे नहीं मिला है नोटिस वगैरह, क्योंकि मैंने जिम वाला बनाया था उस पर मुझे नहीं मिला नोटिस कहीं, उससे मैंने एक और बनाया था ढोल वाला बनाया था जो, उस पर नहीं मिला, वो दोनों वीडियो बिना किसी वाद विवाद के चल गए, लोगों को पसंद भी आए। इसमें क्या है, कहीं ना कहीं गलती हो गई हमसे कि हमने खिला दिया, वो ये गलती नहीं है कि हमने क्या खिला दिया क्यों खिला दिया, वो हमने इंसानियत के नाते कि खिला देते हैं इसको और उसने खा लिया, ना तो उसको गलती लग रही है ना मुझे लग रही है, कानून जो है कानून के अंतर्गत वो गलती है, कानून का उल्लंघन हमने किया है तो उसका मुझे भी एहसास है कि भाई साहब ये कानून ही है ये, वो ना तो ये खुद इन्होंने अभी कल ही मेरा वीडियो देख के तो कानून बनाया नहीं है, पहले से है, उल्लंघन मैंने किया है। अच्छा, मानवीय भूल मानकर आपने सॉरी भी कह दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि अब जो आपने वीडियो अपलोड किया है इससे क्या है कि दूसरे कहीं ना कहीं उन लोगों में मैसेज गलत जा रहा है, डिलीट करने के लिए नहीं बोला आपको उन्होंने? नहीं, देखिए ऐसा है, मैंने उनको कहा कि मैंने कहा भूलवश मैंने कर दिया है, मुझे कानून का ज्ञान नहीं था, ना तो मुझे पता था कि ऐसा कोई नियम है, ना ऐसा पता था जुर्माना लगेगा, अब मैंने कर दिया है वो मेरी मानता हूँ गलती है, तो मैं गलती के नाम पर जुर्माना पे कर सकता हूँ, तो उन्होंने कहा जुर्माना पे कर दीजिए, मैंने जुर्माना पे कर दिया। फिर उन्होंने बताया कि सर ऐसा है कि वो खाना खिलाने से जानवरों को नुकसान होता है, वो कोई समस्याएं हो सकती है, रोग हो सकते हैं, तो मैंने दूसरी बार फिर यही लाइन बोली, मैंने कहा लोगों को भी बोला, मैंने कहा आप भी अगर ऐसा है तो मत खिलाना, क्योंकि कई बार नहीं शूट करता है वो उनकी बात सही है, वो अपना खाना जंगल में ढूंढ लेते हैं, तो फिर मैंने लोगों को बोला आपके मन में भी आ रहा होगा कि जो खाना जंगल में वो ढूंढते हैं क्यों ना हम वही बाहर चले जाएँ और उनको खिला दें, तब मैंने कहा जुर्माना तो फिर भी आपका लगना ही है, क्योंकि जब आप वीडियो बनाओगे और वीडियो डालोगे खिलाते हुए तो जुर्माना तो लगेगा ही लगेगा। नील गाय को आपने खिलाया, 11,000 का जुर्माना लगा, ये तो लेपर्ड सफारी में था, अब यदि गांव की तरफ गंगानगर की तरफ जाओगे और नील गाय दिख गई तो? सर ऐसा है, मैं तो नील गाय से रहूँगा दूर अब ठीक है, और दूर भी अगर नील गाय मेरे पास आई तो मैं देखूँगा कोई कैमरा तो नहीं ऑन कर रखा किसी ने, तो ये बात है और बाकी कुछ नहीं। वो नील गाय से हमारा पुराना, मेरा नील गाय से बहुत पुराना नाता है, मैं बचपन में नील गाय के साथ ही पला बढ़ा हूँ, मैं ये लाइन कह सकता हूँ क्योंकि हमारे उधर बहुत है। क्योंकि इन चीज़ों में कहीं ना कहीं जब आप जुड़े हो, एक पार्टी से जुड़े हो, आम आदमी पार्टी, युवा नेता हो पार्टी के, राजस्थान में इस साल चुनाव है, अरविंद केजरीवाल से जब आपकी मुलाकात हुई थी तब उनको उन्हीं की भाषा में आपने कुछ कहा? नहीं सर, मैंने किसी की भाषा में उनसे कुछ नहीं कहा, मैंने अपनी भाषा में बोला था और उन्होंने भी अपनी में बोला था, हमने जस्ट ऐसे ही बातें करी थी, और वो भी ये भी समझते हैं कि यार इसकी वीडियो देखे हुए, मैं बताया मेरे को कि आपके वीडियो देखे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था कि आवाज़ें निकाली वहाँ। चुनाव में प्रचार करोगे? अभी चुनावों के बारे में कुछ कह नहीं सकता और चुनावों के बारे में कुछ कहूँगा भी नहीं अभी फिलहाल, समय बताएगा। देखिए, ये थे श्याम रंगीला जी, जिनके एक वीडियो ने थोड़ी चर्चा छेड़ दी थी, क्योंकि प्रधानमंत्री के अमूमन ये वीडियो बनाते रहते हैं, उसमें कुछ नई बात नहीं है, ये आर्टिस्ट हैं और कला अपनी बेचते हैं, उसके जरिए ये परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन इनसे एक भूल हुई थी, वो ये थी कि उन्होंने नील गाय को कुछ
प्रसाद के तौर पर या यूं कहे कि कुछ खिला दिया था, जो आमतौर पर ग्रामीण अंचलों में लोग खिलाते हैं। लेकिन जिस जगह इन्होंने खिलाया था वो लेपर्ड सफारी थी, जालानग लेपर्ड सफारी, जहाँ पर प्रतिबंध था और कहीं ना कहीं उनका एक चेतावनी बोर्ड भी लगा हुआ था, लेकिन वो श्याम रंगीला को दिखाई नहीं दिया। उसके बाद उनको नोटिस दिया, नोटिस के तौर पर उनको 11,000 का जुर्माना भरना पड़ा और उन्होंने माफ़ी भी मांगी कि मानवीय भूल थी, जिसके जरिए उन्होंने आम जनता तक जो वीडियो पहुंचाया था, हालांकि इनकी कला है, कला के बेचते हैं, लेकिन किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का इनका कतई मकसद नहीं था। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर।